नमस्कार दोस्तों, मेरे इस आंगन से घर तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सत्तू कैसे बनाते हैं। सत्तू शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक और फायदेमंद होता है। सत्तू बनाने के लिए हमने 4 किलो गेहूँ लिए हैं। अब हमें गेहूँ को 1.5 घंटा पानी में भिगो के रखना है। गेहूँ भीग चुके हैं, अब हमें इसे खलबत्ते में कूटना है। हमें भीगे हुए गेहूँ को खलबत्ते में कूटकर इसके छिलटे निकालने हैं। इसे अच्छे से कूट लेना है। इस तरह से हमें सब गेहूं को खलबत्ते में से कूट लेना है। अब हमने गेहूं को कूट लिया है। अब हमें गेहूं को कपड़े के ऊपर बिछा लेना है और उसको सुखाना है रात भर के लिए। रात भर हमें गेहूं सूखने देना है, इसे घर में ही सुखाए। इस तरह से गेहूं के छिलटे निकलने चाहिए। अब हमें गेहूं को मसलना है और इसके छिलटे निकाल लेना है। हमें गेहूं को अच्छे से पछोड़ लेना है ताकि इसके छिलटे निकल जाए। इस तरह से हमें सब गेहूं के छिलटे निकाल लेना है। अब हमें इन गेहूं को भट्टी में लेके जाके भूंज लेना है। अब हमारे गेहूं भूंज के तैयार हो चुके हैं। भुने हुए गेहूं को फिर से कपड़े पे बिछा लेना है ताकि ये ठंडे हो जाए। अगर इसे डिब्बे में ही रखेंगे तो ये लाल हो जाएंगे और इसका टेस्ट कड़वा लगेगा। इसे अच्छे से बिछा लेना है और ठंडा करना है।
अब हमारे गेहूँ पूरे तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हमें अच्छे से साफ कर लेना है। गेहूँ को साफ करते समय इसे मसल ले और इसके फिर से छिलटे निकाल ले। इसको छन्नी से अच्छी तरह से छान ले ताकि भट्टी में भूजते समय इसमें जो भी कुछ रेती वगैरह रहेगी वो छन्नी से निकल आएगी। गेहूँ को अच्छे तरीके से साफ कर ले। अब हमारे गेहूँ अच्छी तरह से साफ हो चुके हैं। के लिए हमें जीरा, जायफल और हरी इलायची चाहिए। हमने 4 किलो गेहूं के लिए 2 किलो दलिया लिया है। अब हमें इन सब सामग्रियों को एक एक करके गेहूं में मिलाना है और मिक्स कर लेना है। अब हमें इस मिश्रण को डब्बे में भर लेना है और चक्की में जाके पीस लेना है। इसे अच्छा मलिन पीस लेना है। अब हमारा सत्तू रेडी हो चुका है। अब हमें कटोरी में सत्तू का आटा लेना है। इसमें थोड़ी सी शक्कर और पानी मिलाना है। मिश्रण को पतला कर लेना है। ये सत्तू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। धूप काले में ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।